दुनिया जहां अभी कोरोना वायरस के खतरे से उबरने की कोशिश ही कर रही है, वहीं अब नए वायरस की दस्तक की खबर ने दुनिया भर में दहशत का माहौल बना दिया। नमस्कार, स्वागत है आपका एमजी डिजिटल इंडिया में। मैं हूं मीनू वर्मा और आज मैं बात कर रही हूं 48,500 साल पुराने वायरस पेंडोरा वायरस येडोमा यानी जॉम्बी वायरस। अब तक मिली जानकारी के अनुसार साइबेरियाई क्षेत्र के परमाफ्रॉस्ट के नीचे से पाए नमूनों की जांच में 13 नए रोगाणुओं को ढूंढ निकाला गया। गौरतलब है कि इन 13 में से एक वायरस 48,500 साल पुराना है। वैज्ञानिकों ने इन सभी को जॉम्बी वायरस का नाम दिया। जॉम्बी वायरस क्यों? जॉम्बी वायरस इसलिए क्योंकि इतनी सदियों से बर्फ के नीचे दबे रहने के बावजूद जॉम्बी वायरस अब भी जिंदा है। खबरों के मुताबिक जॉम्बी वायरस बर्फीली जमीन में कई हजार सालों तक रहने के बावजूद संक्रामक बना हुआ है। खबरों की माने तो झील में दफन ये वायरस अमीबा माइक्रोब को इन्फेक्ट करने में सक्षम है, लेकिन ये कितना खतरनाक है ये अभी नहीं कहा जा सकता। अभी तो ये महादेव सवाल बना हुआ है कि क्या जॉम्बी वायरस बाहर निकलकर वातावरण में फैल सकता है? क्या ये इंसानों और जानवरों को बीमार कर सकता है? लेकिन जो सबसे अहम बात है वो ये कि दुनिया भर के ग्लोबल वार्मिंग से साइबेरिया के जंगल बर्फ अब किस कदर पिघलने लगे हैं कि इसके नीचे दबे जॉम्बी वायरस निकलने लगे। चलते चलते आपको ये बताते चले कि कहते हैं कि ग्लेशियर की बर्फ ने अपनी कोख में एक पूरा ऐतिहासिक दुनिया ही छिपा कर रखा है, लेकिन अब वो दुनिया खुलकर सामने आ गई। देश और दुनिया की तमाम ऐसी ही खबरों से अपडेटेड रहने के लिए देखते रहिए एमजीबी डिजिटल इंडिया। पसंद आया हो वीडियो तो लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हम हर खबर आप तक जल्द से जल्द पहुंचा सकें। शुक्रिया।